एज एक टेक्निकल एडवाइस दूं, इन फ्यूचर जब भी आप अपना लैपटॉप खरीदने जाएं तो बजाय HDD लैपटॉप खरीदने के SSD लैपटॉप खरीदेगा। हालांकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके अपने अलग ही फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके लैपटॉप की पावर कंजप्शन कम हो जाएगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि SSD लैपटॉप मात्र 3 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। बाय द वे, जिसे ये नहीं पता कि HDD और SSD क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है, और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिस पे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ATM जाते हैं, और ATM जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है, और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है, जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनी या मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है भाई, पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती, क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती है, ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। चलिए गाइस, फिर से KBC का एक सवाल पूछता हूं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि सन 2020 में हिंदी का ऐसा कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था। लोग अपने घरों में थे, आउटसोर्सिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद था। उस टाइम पे हम इंडियंस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, वो शब्द है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसी फीलिंग जिसके बिना कोई भी डेवलपिंग कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। गाइस, ये फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।